मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। गुंडों की धमकी से एक युवक ने अपनी जान खुद दे दी है। थाने के लोकमान्य नगर पाड़ा में रहने वाले एक युवक ने स्थानीय गुंडों की पिटाई और धमकी के डर से अपनी जान दे दी है। इस युवक की लोकमान्य नगर में राजा शिवाजी स्कूल के पास एक दुकान थी। उसी इलाके में रहने वाले कुछ बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की और उससे पैसे की डिमांड की, लेकिन इसी डर से डिप्रेशन में आकर इस युवक ने जो है खुद जान दे दी। खुद जान देने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष शर्मा और उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं। इस घटना के बाद से परिवार के लोग काफ़ी सदमे में हैं और व्यापारियों को इसी तरह से जो है कई बार प्रताड़ित करने की घटना भी सामने आई है। इस मामले में व्यापारियों व मृतक के परिजनों द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वर्तक नगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है और कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी अभी फरार हैं और आगे की जांच वर्तक नगर पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी जो देते हुए व्यापारी चंद्रकांत शाह ने क्या कुछ बताया है आपको सुना। आपका नाम बताइए। चंद्रकांत मगनलाल शाह। क्या घटना हुई है, किस तरह से व्यापारी ने एक साथ आके यहाँ पे मनीष शर्मा लड़के समुद्र चौक है, उसको यहाँ से कोई दबाव डालने में पैसा वर्गनी या तो कुछ भी लेने के चक्कर में उनको दमदाटी दिया जाता था, ऐसा उसका कहना है। उसके वजह से उसको सुसाइड करने को हुआ। मैं लोकमान्य नगर का यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, चंद्रकांत मगनलाल का। काफी साल के इधर 45 साल के रहता हूँ मैं। क्या हुआ तो दुकानों की दुकानों पे वर्गनी मांगने को या तो कुछ भी ये कलड़ी मांगने को जाते थे, दमदाटी देते थे इन लोगों को। कि जो नाम तो भी मुझे मालूम नहीं, 5-6 लड़के लोग मेरे को सबका कंप्लेन आया था, तो इन लोगों को जबरदस्ती करते थे, फोन के ऊपर धमकी देते थे, उसके वजह से इसको सुसाइड करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन, उसके पास भाड़े का रूम रहता है, दुकान भी भाड़े का रहता है, गरीब आदमी करेगा क्या? जब ऐसा है में आना पड़ता है गरीब आदमी को, पैसा रहेगा तो अच्छे एरिए में जाएगा ना। दुकानों की तोड़फोड़ की थी, दुकानों के वो कोई कोई दुकान वाले की तोड़फोड़ भी की है, कांच तोड़ा मारा सबको। ऐसा ये एरिए में ऐसा चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, इसका वजह से दुकान वालों को भी तकलीफ, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी तकलीफ है। ऐसा भी करके अपना खुद का काम चला रहे। कंप्लेन किया गया है, पुलिस लोगों ने एक्शन लिया गया है। पुलिस लोगों का कहना ऐसा है कि हम लोग ने उसको फंडी का केस डाला है क्लेम, और 1-2 आरोपी फरार है। 4 आरोपी को कुछ गिरफ्तार किया गया है। घरवाले की क्या मांग है? घरवाले की तो बेचारे गरीब आदमी, उनके 3 बेटी है और पीछे परिवार भी क्या करेगा, ऐसी हालत है उनकी, बहुत खराब में खराब बुरी हालत है। दुर्भाग्य की बात है, ये ऐसा होना जो नहीं चाहिए था, बहुत दुख की बात है। बॉडी अभी उधर ही है, बॉडी ये लोग बोल रहे हैं बॉडी हम लोग नहीं उठाएंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कार्यवाही करना पड़ेगा। जो गया वो तो रिटर्न आने वाला नहीं है बेचारा, इसके लिए अभी दुकानें बंद कर दी गई है, सब होटल दुकानें बंद है। व्यापारी लोगों का विरोध है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा, और इनको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए, और आगे दूसरी बार ऐसा न हो ऐसे हम लोगों की ये विनती। क्या नाम उनका? मनीष शर्मा। उनकी फैमिली 3 बेटी है, उसकी मिसिस है, उनके भाई है, परिवार है, सब फैमिली है, सब मम्मी पापा है उनके। तो व्यापारी ने नोट में क्या लिखा है? तो उनके वहाँ सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उधर अपने को अभी तक हमको पता नहीं चला, पुलिस वाले ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बात सुना, सुसाइड नोट मिली है, सुसाइड नोट में क्या दिया गया है वो अभी हमको जानकारी नहीं मिली है पूरी। सख्त से सख्त कार्यवाही होना जरूरी है, ऐसा ही चलते रहेगा तो और आगे सबको तकलीफ भी है ना। आपका नाम? चंद्रकांत मगनलाल शाह, वाइस प्रेसिडेंट लोकमान्य नगर के व्यापारी के।